कन्नौज से आ रही इस वक्त की सनसनीखेज खबर, जहां विवाहिता को ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाला। पीड़िता ने सदर कोतवाली में दी तहरीर। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के सरियापुर गांव निवासी रानी पत्नी इसरार अली ने शुक्रवार को सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता जाकिर अली ने पीड़िता की शादी 11 वर्ष पूर्व इसरार अली पुत्र रफीक अली निवासी ग्राम असेई थाना तालग्राम जनपद कन्नौज के साथ की थी। बीते 19 अगस्त 2021 को समय करीब 3 बजे पीड़िता के पति इसरार अली, जेठ इकरार अली, ससुर रफीक अली व राजकुमार पुत्र कल्लू पीड़िता को गालियां देते हुए आए और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने मायके सरियापुर आए और अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों के साथ कार्रवाई हेतु सदर कोतवाली पहुंची और आरोपी ससुरालियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बालापीर मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर की लोगों की जांच। कन्नौज नगर में डेंगू मलेरिया के बढ़ रहे प्रकोप से बीमार हो रहे लोगों की खबर प्रकाशित किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। बालापीर में स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई। कन्नौज सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बालापीर मोहल्ले में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की। डेंगू व टाइफाइड के लक्षण वाले मरीजों के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए। वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों को दवा का वितरण कर चिकित्सकों ने सावधानी बरतने व समय समय पर चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। कन्नौज से जिला संवाददाता शिगु सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। यहाँ पर वायरल बुखार से संबंधित ये जो सीजनल बुखार चल रहा है उसके मरीज आ रहे हैं और इसकी हम लोग मलेरिया और डेंगू टाइफाइड की जांच करवा रहे हैं और इसी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बुखार का। जी सर, यहाँ पे जाँच आप सैंपल ले रहे तो अभी किसी प्रकार के कोई अभी लक्षण पाए गए यहाँ पर मलेरिया के? तो अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। और आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।